किसी ने लोरियां गाकर सपने दिए हैं, तो किसी ने उंगली पकड़ के ये दुनिया दिखलाई है। एक मेरी शैतानियों को नटखटपन का नाम देकर हमेशा मेरी बलाएं लेती रही, तो एक मेरी शैतानियां सुन मुस्कुराता पर सही राह दिखाता रहा। एहसान अनेक है, गिनने बैठूं तो सारी उम्र निकल जाएगी। प्यार भरे दो बोल के सिवा क्या लौटा सकते हैं आप? कुबेर की दौलत भी कम पड़ जाएगी। जी हाँ, माता पिता यानी पेरेंट्स, इनकी जगह भगवान से भी ऊपर है। और आज इस मंच पर लगने वाले हर एक सुर उसी हस्ती को समर्पित है। सो वेलकम टू हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार। वैसे आज हमारे सारे सिंगिंग स्टार्स जो परफॉर्मेंस करेंगे वो उनके माता पिता के नाम है। और मैं आपको बता दूं कि आज परफॉर्मेंस करने वाले सभी 8 सिंगिंग स्टार्स में से वो एक सिंगिंग स्टार जिसका परफॉर्मेंस हमारे मेंटोर्स को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, वो बन जाएगा हीरो होंडा स्टाइलिश परफॉर्मर ऑफ द डे। और उसे मिलेगा हीरो होंडा की तरफ से एक चमचमाता गोल्ड एम्ब्लम। और पूरी सीरीज में जो सिंगिंग स्टार सबसे ज्यादा बार ये खिताब जीतेगा उसे मिलेगी हीरो होंडा की तरफ से एक पैशन प्रो बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं परफॉर्मेंसेस का सिलसिला। और सबसे पहले बुलाते हैं उस सिंगिंग स्टार को जिनके माता पिता लगभग हर हफ्ते यहाँ अपनी बेटी का परफॉर्मेंस देखने, अपनी बेटी को हर हाल में सपोर्ट करने आते हैं। मेरी सिंगिंग की जो शुरुआत हुई थी एट द एज ऑफ 4, मैं बहुत बहुत छोटी थी, तभी मैं समझती भी नहीं थी कि सिंगिंग क्या होता, क्या चीज़ है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो मेरे डैड ने मेरे हुनर को पहचाना। अभिलाषा के पापा ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है इसमें। हम पुणे में उनकी सर्विस बहुत हो चुकी थी, लेकिन इस अभिलाषा के खातिर हम वहाँ पुणे का सर्विस छोड़ के यहाँ आए हैं। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे डैड को ऐसे जॉब नहीं मिल रहा था, उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये एक ज़रिया है या फिर एक चांस है कि मैं उनको थैंक यू बोलूँ इस सब चीज़ के लिए। अभिलाषा के लिए हमारी ये एक्सपेक्टेशंस है या ड्रीम्स ये है कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने। मैं अपनी मॉम डैड को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आई लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डू समथिंग बिग फॉर यू मामा। तो आज आप अपने माँ बाप के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए खास तौर पे कौन सा गाना गाने वाली हैं और क्यों? एक गाना है रंग दे बसंती का, वो है लुका छिपी। वो गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि उस गाने में जो है एक माँ का जो एक पुकार है, द वे अ मदर फील्स व्हेन हर डॉटर और सन इज़ नॉट नेक्स्ट टू हर। और ख़ासकर ये गाना सुन के मेरी माँ बहुत रोई जब मैंने उनको पहली बार सुनाया था, मम्मी ये गाना सुनो, बहुत रोई। तो इट मेड अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या पतंग हो बेफिकर उड़ रही
मेंटर्स, मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूँगा। ये अभिलाषा के पापा हैं और अभिलाषा की मम्मी भी यहाँ आई हैं। आप मम्मी जी, मैं चाहूँगा आप भी प्लीज़ मंच पे आएं, प्लीज़। आज अभिलाषा के मम्मी पापा ने सोचा कि वो खुद यहाँ पे आएंगे और जो कमेंट्स हैं मेंटर्स से वो खुद यहाँ से लेके जाना चाहेंगे। तो मेंटोस प्लीज आप खुद ही अंकल आंटी को बताएं। आपकी बच्ची इतना अच्छा गा रही है, हमारे शो के लिए भी एक प्राउड की बात है, क्योंकि माँ बाप की तरबियत ही होती है जो बच्चों को बनाती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी आवाज़, और मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फिट आवाज़ है इसकी, और बहुत बहुत जब भी गाते हैं बहुत दिल से बहुत अच्छा गाते हैं, और इसे ऊपर वाला बहुत आगे तक लेके जाए, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। रब रखा, थैंक यू। मेरी बच्ची 8 साल की है और जब मैं सुबह उठता हूँ तो स्कूल में होती है वो, और मैं स्टूडियो चले जाता हूँ, और रात को वापस आता हूँ तो वो सो जाती है क्योंकि अगले दिन स्कूल होती है सुबह। और अब पिताजी है तो आप जानते ही हैं कि हम काम की वजह से ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब थोड़ा भी कुछ वक्त मिलता है तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स पॉसिबल। और आई नो हाउ प्राउड यू मस्ट बी फीलिंग ऑफ हर, तो आई जस्ट वांट टू कम देयर एंड जस्ट टच योर फीट। जाहिर सी बात है, अब आज सब बहुत इमोशनल है, क्योंकि जब भी आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट जब मेरी बच्ची स्टेज पे जाती है ना, जब उन लोग के स्कूल के एनुअल डेज होते हैं, तो आई फील वेरी प्राउड। तो मैं जानता हूँ आप कितना प्राउड फील कर रहे होंगे अभी, एंड वी आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू अभिलाषा। ऐसा है कि हमेशा काम करते वक्त ऐसा मीन्स आई इन माई शूट और एनी वेयर आई गो फॉर माई शोज रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग, मैं मॉम डैड को इतना टाइम दे ही नहीं पाती हूँ। तो मैं आई रियली वॉन्ट टू टेल देम सॉरी कि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि
अभिलाषा यू नो ना यू आर माय डॉटर. वो एक क्वेश्चन मेरे को इतना चुभता था, लाइक यार इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मम्मी ने ऐसा बोल दिया तो बहुत बुरा लगा. तो इसलिए मैं आई वॉन्ट टू टेल एम सॉरी एंड आफ्टर दिस हाउ मच एवर टाइम आई कैन गिव देम आई विल गिव देम इन माई लाइफ. मैं भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ कि हम दोनों को ऐसी बेटी दिए. थैंक यू विजी फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल चाइल्ड. थैंक यू सो मच सर, सो स्वीट ऑफ यू. और अब बारी है उस सिंगिंग स्टार की जो एक बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली से आती हैं. मम्मी इनकी माँ कम दोस्त ज्यादा हैं, लेकिन पापा से ये बहुत ज्यादा डरती हैं. लेकिन वो ये बात भी मानती हैं कि उनके पापा ही उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. बाकी की बातें हम खुद सिंगिंग स्टार सुगंधा से ही जान लेते हैं. 9 साल की थी तो दादाजी एक दिन बैठे हुए थे घर में, तो उन्होंने नोटिस कब किया कि ये सुरीली है, ये कोई फिल्मी संगीत गा रही थी, कोई गाना गा रही थी फिल्म का, तो उसमें बहुत ऐसी इसने एक तान लगाई जो उनको लगा कि ये संगीत सीख सकती है. बस वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट था इसका म्यूज़िक सीखने का. पापा से बहुत डर लगता है कि वो थोड़े से रिजर्व्ड हैं और इंटरेक्शन बहुत कम हो पाती है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. मेरे भाई और मेरे में मैं मेरे पापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ. सुगंधा के यहाँ तक तो ड्रीम्स पूरे हो गए कि वो जिस मंच पर आना चाहती थी वो वहाँ पहुँच गई है, और ईश्वर चाहेंगे तो इसके आगे भी जो वो करना चाहती है म्यूज़िक के फील्ड में बहुत कुछ करना चाहती है एंड बहुत कुछ पोटेंशियल है उसके अंदर, तो वो ज़रूर ईश्वर पूरा करेंगे. आज आप कौन सा गाना डेडिकेट कर रही हैं, कौन सा गाना उनके लिए गा रही हैं और क्यों? मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मतलब एक मम्मी पापा नहीं, 2 मम्मी पापा हैं, क्योंकि मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा भी मेरे मम्मी पापा हैं, तो 4 पिलर्स हैं मेरे आसपास. जॉइंट फैमिली का मतलब फुल फायदा है यहां पे आपको. तो मैं उन चारों को ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ. क्या बात है, सो स्वीट ऑफ सुगंधा यार. जोरदार तालियां हो जाए जलंधर से हिट स्क्वाड की सिंगिंग स्टार सुगंधा के लिए. लेट्स हैव अ बिग हैंड. ऑल द बेस्ट सुगंधा. Bye.
क्या बात है सुगंधा. अच्छा बाय द वे सुगंधा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. इससे पहले मैं मेंटोर्स से बात करूँ. ऑडियंस में देखो कोई जान पहचान का चेहरा दिख रहा है भाई? आप कितनी मम्मा कहाँ है? अरे अनी जी प्लीज आइए ना प्लीज. को जरा सा इम भी नहीं था कि आंटी यहाँ पे हैं. आंटी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है अपनी बेटी को यहाँ पर देखकर, इतना अच्छा गाते हुए सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देख के. बहुत दिनों से इसका सपना था, ये तपस्या कर रही थी यहाँ आने के लिए, तो वो इसका भगवान ने पूरा किया. और आप सबकी गाइडेंस में बहुत अच्छा कर रही है ये. और मेरा गला भर रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग. बहुत अच्छा लग रहा मुझे इसकी जो जर्नी है, बहुत अच्छा. थैंक यू मम्मी जी. आप यहाँ पे हैं, चलिए अब जरा जानते हैं हमारे मेंटर्स से कि वो आपकी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी गायकी उनको कैसी लगी. वाजिद भाई सबसे पहले आप बताइए. ये गाना जब कोई भी गाता है तो रूठे खड़े हो जाते हैं, और आज भी सुगंधा ने ऐसा गाया कि मेरे रूठे खड़े हो गए. एंड सुगंधा गॉड ब्लेस यू यार, वेरी गुड. आप लोग आज बहुत इमोशनल कर रहे हो हम सबको. गॉड ब्लेस यू. सुगंधा हमारे हिट घराने से हैं तो हमारी मुलाकात थोड़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और किस तरह से वो गाने वाले हैं. पहली बात तो संगीत म्यूज़िक उनकी सिंगिंग सेकेंडरी में करता हूँ, पहले तो आपके संस्कार आपने जो इस लड़की को दिए हैं, और मैं इनको दिल से मैं दुआ करता हूँ कि बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बन जाए बहुत जल्द. थैंक यू सो मच सर. वैसे सुगंधा मैं आपको बताऊं, एक और शख्स हैं जो बहुत देर से आपका गाना सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो भी अपने कमेंट्स दें कि आपका गाना कैसा लगा. हेलो सर, आप सुन सकते हैं? हाँ जी हाँ सुन रहा हूं. नमस्कार, आपने आवाज़ पहचानी? नमस्कार. हाँ अरे सर लीजिए. मैं कहा पहचान कौन? ओ बुलबुल, मेरा बुलबुल बेटा. कैसा बेटा? बहुत अच्छा गा रहे हो बेटे. बहुत खुशी है कि अभी तक आपने जितने भी गाने गाए हैं बेटे, उसमें सुरों की कद्र करते हुए बड़ी ही काबिलियत और सहूलियत से गाए हैं बेटा. माँ सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद देगी बेटा. टेक केयर बेटा. अंकल सुगंधा बहुत दिन से एक परमिशन आपसे लेना चाहती है, और हम चाहते हैं सुगंधा खुद ही आपसे पूछे. सुगंधा प्लीज. हाँ बेटा बोल बोल. गजनी पापा यही कह रही थी कि मैं बॉम्बे रहना चाहती हूँ. अच्छा, आप भी आ जाओ मेरे साथ. अब यानी कि मतलब आप ये सारे कामों के बाद भी बॉम्बे रहना चाहती हो मुंबई? हाँ जी. अच्छा हाँ, तो फिर इसके लिए बेटा ऐसा करता हूँ कि मैं आपके दादा गुरु जी, दादी जी और बड़े पापा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए कोई ऐसा मैच ढूंढे जो कि आपको मुंबई में रख सके. है बेटा? क्या बात है. थैंक यू अंकल. माँ मुंबा देवी चाहेंगी तो आपकी मुराद पूरी होगी बेटा, जरूर होगी पूरी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच अंकल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. टेक केयर. एक बार जोरदार तालियां अंकल के लिए. खास तौर पे यहाँ पे बात हुई. वैसे अंकल ने कहा कोई ऐसा रिश्ता जो आपको बॉम्बे में खुश रख सके. आंटी जी मैं वैसे बात करना चाह रहा था, दो लड़के हैं हमारे बड़े कमाल के, एक है जॉन इब्राहिम, एक सलमान खान. नहीं आपको तो पता ही होगा जो मतलब, तो मैंने मतलब आपस में आप बात कर लीजिएगा. बिल्कुल बिल्कुल पता है. हाँ तो मैंने कहा आपको, चलिए आप आपस में डिस्कस कर लिए. ठीक है सुगंधा, ठीक है, जो भी आपकी मतलब पसंद हो आप आपस में देखिएगा. वेलकम बैक टू हीरो होंडा, सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार. और अब बारी है उस सिंगिंग स्टार की जिनका अपने पिता के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है. पजामे का नाड़ा बांधने से लेकर गाना गाने तक सब कुछ इन्हें इनके पापा ने ही सिखाया है. और जहां कहीं भी रंजीत का परफॉर्मेंस होता है, रंजीत के पापा उनके साथ होते हैं. रंजीत प्लीज आ जाइए मंच पर. तो वैसे आज तुम ये बताओ कि आज कौन सा गाना यहाँ पे सुनाने वाले हो और क्यों? मैं जैसे कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हुई, ये मैं गाना सुनाना चाहूँगा.
वो दो शख्सियत हैं कि जिन्हें मैं भगवान से भी ऊपर मानता हूँ, मेरे माता पिता। उनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ और मैं जैसे माता पिता तो हैं, जैसे पिता जी का मेरा मुझसे लगाव बहुत ज़्यादा रहे। जैसे बचपन में कंपटीशन में लेके जाना तो वो जो हारमोनियम होता है तो वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो पापा लेकर जाते थे तो मैं पीछे पीछे चलता था। फिर जब मैं 11.5-12 साल का था तो पापा ने एक निर्णय लिया कि मेरे फ्यूचर के लिए कि मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, जो कि पापा के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय था, क्योंकि जयपुर में बसा बसाया घर, उनके माता पिता, चाचा चाची, पूरी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ से दोस्तों को छोड़कर सिर्फ अपने बच्चे के लिए आना, तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत, मतलब जब पापा यहाँ पर आए तो मैं कहना चाहूँगा कि पापा ने होटल में, पापा मेरी जॉब करते हैं, तो मेरे पापा की जब उम्र 38-39 के थे जब मुंबई आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आना और पापा के यहाँ से गांठ बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो, मुझे बेहद, मतलब यूँ होता था कि मेरी वजह से पापा ने यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवाया, तो मुझे कुछ करना है उनके लिए ज़िंदगी में, और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी हो सके मैं उनको इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितनी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। रंजीत, आपके पापा हमेशा यहाँ आते हैं और आज मम्मी पापा और साथ में कौन? बहन। अच्छा, पूरी फैमिली। तो पूरी फैमिली है, तो प्लीज आप लोग आइए मंच पे, प्लीज। सारी खुशियाँ यहाँ, जोरदार तालियां, आइए। और अब मैं कहूंगा मेंटोर से कि आप बताएं, आपकी दुआ से और आप माँ बाप, आप पूरे परिवार, बस हम भी साथ में आपके साथ दुआ करेंगे कि रंजीत आज का गज़ल सिंगर अगर हो तो आज रंजीत रजवाड़ा है और कोई नहीं है, तो बस
आप बहुत बहुत बड़ा नाम करें रंजीत, दिल से दुआ करते हैं। आप सबसे गुजारिश है जितने आपके पेरेंट्स हैं कि इनका दिमाग बिल्कुल ऊपर मत चढ़ने दीजिएगा, जिस लगन से आप लोग लगे हुए हैं उसी तरह इनको ट्रीट करते रहिए कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। इसके अलावा उससे बड़ा और तो कुछ है नहीं है। बेटा आपका बहुत अच्छा गाता है, रब रखा। थैंक यू जी। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले अंकल आंटी से पूछना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आपको? आंटी जी, अच्छा लग रहा है। नहीं पापा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत कंपटीशन में मैं खुद जाता था, खुद गाता था, लेकिन कभी मेरा फर्स्ट या ऐसे नाम नहीं आया तो मैं मायूस होता था बहुत। लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने मेरे को ऐसी चीज़ बख्श दी है, जहाँ जाता हूँ वहाँ फर्स्ट आ जाता है। सबसे पहली बात ये बताओ, तनु भी गाती हैं यानी सानिया? बिल्कुल। कमाल है यार, तो एक दो लाइन तो बननी चाहिए। तनु दो लाइन सुनाओगी प्लीज? दो लाइन, कम ऑन। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का। पापा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत दिन से रंजीत कुछ जिद कर रहे थे, तो क्या सोचा है आपने? मैं सोचता हूँ कि आज उसकी मैं जिद पूरी करने वाला हूँ। सर तो आप अगर इजाज़त दें तो आपका वो तोहफा मैं ले आऊं? बहुत, मैं खुद लेके आया हूँ, तो आप जरूर प्लीज। जी जी, मैं लेके आता हूँ, एक सेकंड रुकिए। है उस सिंगिंग स्टार की जो पिछले 3 महीने से अपने मुल्क अपने माँ बाप से दूर है, लेकिन हर शुक्रवार और शनिवार रात 9:30 बजे के आसपास यू नो उनके घर में ईद जैसा माहौल होता है, क्योंकि उनका बेटा खुर्रम टीवी पर आता है। खुर्रम आ जाओ। खुर्रम जब मुस्लिम स्कूल में छठी जमात में पढ़ता था तो बिल्कुल उसकी छोटी सी उम्र थी, तो उसमें कव्वाली का मुकाबला हुआ, तो उसने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किया दिया, इतना आउटस्टैंडिंग कि उसको फर्स्ट प्राइज मिला, और आज तक हमें वो भूला नहीं उसका। घर में से ख़ानदान पूरा अगेंस्ट था, तो घर में से सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं अपनी मम्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सारे ख़ानदान से टक्कर लेके मुझे गाना सिखाया। खुर्रम मेरा सबसे छोटा बेटा है, बहुत लाडला है, उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, मेरी दुआवां उहदे नाल। 5 साल की उम्र तो उन्होंने गाने का शौक है, तो असं बाकायदा उन्होंने तालीम दूसरी के नाल ये भी तरबीत जी उन्होंने शुरू करवाई, जिद नाल अज इस मुकाम पर पहुँचा, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। क्या बात है खुर्रम। तो खुर्रम, आज मम्मी पापा के लिए कौन सा खास तौर पर गाना और क्यों? आज मैं जो गाना पेश करने वाला हूँ ये मेरे मम्मी पापा का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, काफ़ी एक्चुअली ये सांवल मोड़ मुहारा, और अक्सर वो मुझसे घर में यही सुना करते थे, तो जब मैंने उन्हें बताया कि पेरेंट्स का थीम है तो हर कोई अपने माँ बाप को गाना डेडिकेट कर रहा है, तो उन्होंने
अक्सर वो मुझसे ये सुना करते थे तो उन्होंने यही फरमाइश की कि हमारे लिए तुम यही गाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें पसंद आई। ओ सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा, तत्ती रोना सद जोश मैं फला पावा, सद सद जोशी फला पावा, जोशी मैं फला पावा, मैं ता करनिया जतें हजारा, तरफ से और ये एक मेरे भाई शेखर की तरफ से। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ये इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहूँगा। विशाल इस समय एक गहरी सोच में पड़े थे और तुम्हें देख रहे थे। विशाल तुमने यार ऐसा गाया है ना आज, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत बहुत बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह। आज ये जो गायकी आप लेके आए हो,
माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत गायकी है और आज हमने और हमारे साथ आज बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है कि आपने कुछ अलग पेश किया है. सुभान अल्लाह बेटा जियो. और अब बारी है उस सिंगिंग स्टार की परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मर तो कमाल के हैं ही, हर हफ्ते इनकी सिंगिंग भी बेहतर होती जा रही है. आइए देखते हैं कि इनकी माँ का इनके बारे में क्या कहना है, इनकी सिंगिंग के बारे में क्या कहना है. ये देखिए, वो 4 बयस थे स्टेज परफॉर्मेंस करे, वो टीन के डब्बे बजा के गाना गाता था, तो वही देख के उनका उनको लगा शायद कि ये बड़े होके कुछ सिंगर बन सकता है. सब गान सुने सुने निजी निजी गान को तो देखे और बाबा ओके गाने दिए दे. पिछले 2 साल पहले मेरा पिताजी गुजर गए. बहुत मिस करता हूँ पापा को. अर्निंग मेंबर बाबा चले थे की करे छ आमी खाबो तुम्हारे. इस गाने से मेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो मैंने अपने 19 साल बिताया सब यादें. हमरा छोटो बेला ते गान सीखिए जतम कोनो दिन बंद करी नहीं गा. তারপরে তো ওখানে শিখতে শিখতে জি বাংলায় চান্স পেয়ে গেল. জি বাংলায় টপ 3 উঠেছিল. আর আজ উনকা সপনা মেরে সপনে সে জুড় গয়া. ওর বাবা ছবিটা সামনে রেখে দিছি টিভির সামনে. ও যখন প্রাইজ পায় কিছু পায় বলে তোমার ছেলে দেখছে. ওই ছেলেই স্বপ্ন আর ওর বাবার আশীর্বাদ আছে. আর আজ মেয়ে কম্পিটিশন মে আয়া সিফ আপনি মা কে লিয়ে আপনি পিতাজি কে লিয়ে. আমি চাই আমার ছেলে বিশাক জি টিভিতে আছে, ও যাতে অনেক বড় হতে পারে. হ্যাঁ, এটাই আমি ওকে উইশ করছি. আর জি টিভির সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি. বিশাক, তো আজ খাস তৌর পে কোন সা গানা গানে ওয়ালে তুম আর কিউ? মে আজ জগজিৎ জি কে গায়ে হুয়ে এক গজল চিঠি না কোই সন্দেশ, इसका जो लिरिक्स है वो मतलब मेरे लाइफ से बहुत मिलता है, तो मैं मेरे ये गाना मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहता हूँ. चिट्ठी न कोई संदेश, ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए. इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले.
विशाख, यहाँ पे कोई मिलने आया है तुमसे और मैं उन्हें खुद लेके आना चाहूंगा। विशाख, आपके पापा भी सिंगिंग को आपकी बहुत सपोर्ट करते थे, और कैसा लग रहा है मम्मी जी को आपको आज यहाँ पर देखकर? तो और बाबा ओके भीषण ভালোবাসতো, আর গান নিয়ে ওর বাবার খুব স্বপ্ন ছিল, ছেলে অনেক বড় হবে, অনেক বড় সিঙ্গার হবে, এটাই ওর বাবার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নটাকে ও যাতে সফল করতে পারে এটাই আমার ইচ্ছা। जिसने किसी को खोया है ना, वो ही ऐसे गा सकता है। और मेरी दिल से दुआ है, तमन्ना है कि आपके पिताजी आपका ये गाना सुने, वो आप पे बहुत बहुत गर्व करेंगे। थैंक यू। मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी के पिताजी के नहीं होने का गम क्या होता है। हम सब बहुत नसीब वाले हैं कि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे सर पर हैं, हमारे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। ये थिंकिंग जब भी मेरे जहन में आती है कि खुदा ना खास्ता वो लोग कुछ हो जाए तो क्या होगा हमारा, जब ये अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, बहुत तकलीफ हो रही थी। Because I've seen my father going and coming. I'm lucky. I just wish कि सबके माँ बाप उनके सर पर रहे और उन्हें दुआएं देते रहे। I'm sorry. আশীর্বাদ করুন, এইটাই আমার কামনা। ক্যা কে রে বলে হ্যায় কে আপ সব দুয়া কিজিয়ে মুঝে তাকে মে অর ভি আগে বড় সকু। বহুত সারি দুয়া। জরুর জরুর। ওয়াকিয়া বলনা চাহুঙ্গা কে মে ছোটা সা থা, আই ইউজ টু প্লে তবলা, আব্বাজি উস্তাদ আল্লাহ রাখে খান সাহেব কা শাগিরদ হুঁ মে। তো আহমদ হুসেন মোহাম্মদ হুসেন সাহেব কে সাথ পাপা তবলা বাজাতে থে, ও জব ভি বোম্বে আতে থে উনকে শো হোতে থে তো পাপা সাথ মে রহতে থে। तो एक ही शो के अंदर मैं पापा के साथ चला गया एंड मैंने देखा कि सब लोग बजा रहे हैं, सब खुश हैं, मतलब माहौल बंधा हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड माय फादर गॉट एन हार्ट अटैक एट दैट पॉइंट। एंड मैं बहुत घबरा गया था और मैं रोने लगा। तो मेरे को रोता हुआ ना देखते हुए कि अपनी परवाह ना करते पापा ने कहा कि तू जाके, इशारे से कि तू जाके बैठ उनके साथ, उनका उनकी उनका गाना रुकना नहीं चाहिए, लोग बैठे हैं मैं और वो गैलरी में चला है। तो मैंने बोला पापा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो बोले नहीं 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 चल जा, जाके बजा। उस दिन की प्लेइंग ने मुझे अपनी औकात बता दी और शायद उस दिन से मेरे डैड का जो एक थॉट था कि द शो मस्ट गो ऑन, उस दिन से लेके आज तक का मैं उस रास्ते पर ही चल रहा हूँ। तो जो कुछ भी मिला है उनके नसीब से मिला है, उनकी तरबियत से मिला है, उनकी शिकायतों से, उनकी नाराज़गियों से मिला है। तो आज जो कुछ भी हम हैं और मेरे ख्याल से ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी कोई कुछ भी है वो सिवाय माँ बाप के अलावा, माँ बाप ही वीज़ा हैं भाई साहब ऊपर जाने का, वो मिल जाए आपको तो आपको जन्नत नसीब हो जाती है। मैं जब छोटा था मैं कुछ सालों तक मैं उनके साथ बिजनेस में काम करता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक
एक डील उन्होंने फाइनल की, कुछ बेच रहे थे, प्रॉपर्टी बेच रहे थे, तो डील फाइनल हुई जबान पे, हाथ मिलाया, मामला खत्म। फिर जो खरीदार था वो करीबन 2 हफ्ते तक गुल हो गया, और उन 2 हफ्तों में वो जो बूम है वो शुरू हुआ, तो उसी प्रॉपर्टी की प्राइस दुगनी के करीब हो गई। फिर वो शख्स जब वापस आया तो मैंने पिताजी से कहा कि यार अब तो प्राइस दुगनी हो गई है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि एक बार जबान दे दिया, हाथ मिला लिया, तो प्राइस कितनी भी हो जाए मार्केट में, मैंने जो डील कर दिया वो कर दिया, कभी मुकरते नहीं। तो मैंने भी जिंदगी उस उसूल पे जीने की कोशिश की है। आई एम वेरी 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 लकी टू हैव सच मैग्निफिसेंट पेरेंट्स। इंसान भगवान को पूछते हैं, मैं अपने माँ बाप को पूछता हूँ। क्या बात है। मेरे पिताजी, जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, हसमुख रवजियानी, हमारी बिजनेस फैमिली है, और उसमें पिताजी की एक हॉबी थी अकॉर्डियन बजाने की, तो वी हैड दिस पियानो इन द हाउस, वहाँ हम अक्सर एवरी इवनिंग पुराने गाने हम लोग गाते थे, और एक महफिल सी हो जाती थी, तो डैड के दोस्त घर पे आते थे, तब मैं कीबोर्ड बजाता था और एक दो गाने ऐसे ही गा लेता था। जिस तरह से उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया है, जिस तरह से उन्होंने मेरी तालीम करवाई है बहुत सारे उस्तादों से, भगवान के द्वार पे जाता हूँ तो ये कहता हूँ कि मेरे माँ बाप को खुश रखें और जितनी लंबी उम्र उनको दे सके उतनी लंबी उम्र दे। मेरे जन्म से पहले मेरा नाम दलेर सिंह मेरे माता पिता ने पहले डिसाइड कर लिया था। ये कंफर्म नहीं था कि लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी होगा नाम दलेर सिंह रखा है। जब 25 साल को क्रॉस किया तो मैं अपनी मम्मी के साथ एक दिन बैठा था, तो मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, तो ऐसे गुनगुना रही थी पुराना फोक, ओ गड्ढे ते ना चढ़ दी, गड्ढीरे ते ना चढ़ दी, छड़िया दे टट्टू ते टप चढ़ दी। तब मैंने मन बीबी, हम लोग बीबी बोलते थे, बीबी की गा रहे हो तुसी, तो बीबी हंस के बोली के ये बहुत पुराना फोक है और मैंने अपनी नानी से सुना हुआ है। तो मैंने कहा क्या हम लोग, मैं गा सकता हूँ इस गाने को? बोलती क्यों नहीं गा सकता, तू गा ले। तो बोलो तारा रारा, मेरी ना माँ ने मुझे जन्म भी दिया और कर्म भी दिया, एक ऐसा गाना दिया बोलो तारा रारा कि बस सब उन्हीं का आशीर्वाद है, वो इतना बड़ा हुआ सारी दुनिया में गाना, आपके सामने बैठा हूँ आज। ये वो टाइम है जो वापस नहीं आएंगे, और मम्मी ऐसी होती हैं कि नेक्स्ट कॉल में वो कभी वो नाराज़गी नहीं शो करती, वो फिर भी उसी तरह से फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि बेटा ठीक है, खाना खा लिया? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि व्हाटएवर आई एम टुडे मॉम, थैंक्स मॉम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी, मैं आई कुडंट कंट्रोल। नहीं ऑनेस्टली हमें बुरा लग रहा है कि आप वहाँ अकेले ये महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पहले से माहौल वैसा है, वहाँ सब साथ में, बट we are with you and we totally understand. Aapki maa ko hamara bhi salam pranam. Thank you so much. And she's done a wonderful job raising you. Mere khayal maul thoda zyada senti ho gaya, par main sirf itna kehna chahunga ki ab bari hai agle performer ki, to zordar taaliyan ho jaye Bhuvneshwar Odisha se Yara di Toli ki singing star Slithi ke liye. Slithi, तैयार हैं आप? हाँ, मेरी परफॉर्मेंस से पहले सभी पता नहीं क्या होने वाला है अभी। तो आप बताइए, आज आप खास तौर पे कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे और क्यों? मैं सदमा फिल्म के सुरमई अखियों से डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी माँ को, ये उनका फेवरेट गाना है, और जब भी मैं बचपन में खाना नहीं खाती थी तो मेरी मामा हमेशा ये कहानी सुनाती थी मुझे सदमा की, और ये गाना गाती थी मेरे लिए। सुरमई अखियों
मम्मी आज खास तौर पे यहाँ पे आई हैं। आंटी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा लगा? आप काफी इमोशनल भी हो गई। स्मृति की बचपन जो याद आ गई ना, इसीलिए। और आज इतने बड़े मंच पर, इतने जो हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज हैं उनके सामने इतना गाना, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छी लगती है। इतने दिग्गजों के साथ गाना गाई, वो उनकी पसंद करी, वो बड़ी बात है। वो जो सारे गा पे आए, बहुत ही हसल हो, उनको हंसने के लिए बोल रही थोड़ी। स्निति किसी को हिम्मत दे रही है, देखो। देखो। जी, कितना बदलाव आया। मम्मी जी, जरा कमेंट्स जाने। विशाल, बहुत अच्छा गाया यार स्निति, बहुत अच्छा। वेल डन। मम्मी जी, आपको पता है मैं स्निति का बहुत बड़ा फैन हूँ। और स्निति हमेशा कहती रहती है आप ऐसा मत बोलो, मत बोलो, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहूंगा। क्योंकि सर मैं बहुत छोटा फील करती हूँ, आप ऐसा बोलते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत बहुत कमाल के सिंगर हो, और बस हम आपका ग्रोथ देखना चाहते हैं, और दिख रहा है। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। जिस तरह ये पूरा माहौल चल रहा है, और क्योंकि बहुत मेरे मन को भी बहुत उदासी फील हो रही है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा मम्मी जी आपको यहाँ देख के। अब आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या चीज़ लेके आए हैं? मुझे पेड़े बहुत पसंद है। पेड़े तो आपको हमको खिलाने पड़ेंगे। बेशक। अच्छा, आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ये मेरा फेवरेट गाना है इलैयाराजा सर का। बस इसी तरीके से गाते रहो, और पेड़ा खिलाइए और हमें भी दीजिए। जी हाँ, साजिद भाई, अब जरा कमेंट दे दीजिए, मैं डब्बा खोल लेता हूँ। तो मैं जरा सबको अच्छा मैं अरे पहले बच्ची को तो गिला दो, माँ बच्ची के लिए मैं अभी की वेट कर रहा था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मम्मी जी, आपकी बेटी बहुत नाम कर रही है, और आज आपकी दुआएं असर दिखा रही हैं। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है कि आपके सामने इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।
तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इतनी होनहार बेटी. थैंक यू जी. और अब बारी है उस सिंगिंग स्टार की जो इस मंच के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक हैं. हर हफ्ते गायकी में कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी उनसे काफी खुश हैं. लेकिन एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक वक्त था जब कमल के पापा नहीं चाहते थे कि कमल गायकी से अपना कोई भी वास्ता रखे. ये देखिए, मम्मी पापा का नाम लेते हुए मुझे सबसे पहले भगवान नजर आते हैं उनमें, क्योंकि वो मेरे लिए रब हैं. बहुत ज्यादा प्यार करता थी, मेरे नाल ही सोंदा सी, मेरे नाल ही पैंदा थी. मुझे दुख होता था कि यार मेरे होने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी है, तो मुझे ये होता था कि मैं उन्हें कोई दुख ना दूं. हर टाइम मैनू ऐ कहना सी, मम्मी भी तू तुरन लग जा, तेरी लत कदों ठीक होगी. एक समय ऐसा आ चुका था कि पापा को गाने बजाने से बहुत हेट हो चुकी थी, तो मैंने एक फैक्ट्री में काम किया. सैलरी पे थी मीन्स मे बी 40 रुपये एक डे की. पहले मंथ की सैलरी लेने के लिए पापा को मैंने बुलाया वहाँ पे, तो पापा रो रहे थे. उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जैसा तू करना चाहता है, तेरी तुझे आज़ादी है. जब ये सारे गाँव पार लड़न तो पहला बम्बे गया है सी, मैं हर टाइम रोंदी रहती सी उन्हें याद करके. कमल, आज कौन सा गाना गाने वाले हो और क्यों? सर आज मैं मेरी पूरी फैमिली को डेडिकेट कर रहा हूँ वो गाना, मेरे मम्मी पापा मेरे बहन भाई को. वो हम सभी का फेवरेट गाना है, मेरे दोस्त का लिखा हुआ गाना और मेरा खुद का कंपोज किया हुआ गाना है. वो गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि एक बात का मुझे हमेशा दुख था मेरे मन में, मेरे पैदा होने के बाद मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहे. उनका थायराइड ब्लड प्रेशर शुगर काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट हुई, अभी भी वो बीमार रहते हैं. मीन्स मैं कभी फ़ोन पे ही बात करता हूँ तो मेरे हौसले के लिए मुझे बोल देते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे पता उनकी प्रॉब्लम्स मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बेटा उनका. और उन्हें ये गाना एक पंजाबी गाना है और मैं इस गाने में अपनी माँ के लिए क्या सोचता हूँ, क्या उनके लिए करना चाहता हूँ और उनका मेरे पे क्या एहसान है, वो मैं इस गाने में गाने के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ. मैं कि मैं भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा. मैं कि मैं भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा. खुद चल दी रही ततिया बावा, खुद चल दी रही ततिया बावा, मैनू करके ठंडड़ी शां. हर जन्म दे तेरे एहसानांदा मां, जो खुशियां नाल ले आउंदी है तेरे लिए मैं और रुत होवां. हर जन्म बने तू मां मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत होवां. अज जो भी हां करके हाँ, हर जन्म देन नहीं दे सकदा,
तेरे एहसाना दामा हर जन्म देन नहीं दे सकदा के पापा आज खास तौर पे यहाँ पे आए सरप्राइज दिया कमल को कमल को अंदाजा भी नहीं था कि पापा पीछे ही हैं वैसे आज बहुत से बच्चे ये महसूस कर रहे होंगे सोच रहे होंगे दुआ कर रहे होंगे काश ऐसा हो कि मैं पल झपकूं और मेरे मम्मी पापा भी एकदम से सामने आए जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं उनके दिल में भी यही ख्याल चल रहा होगा सर पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कमल के पापा के लिए सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण था कि आप कमल को गाने से दूर रखना चाहते थे भी बीमार रहते भी बच्चा बाहर अंदर ज्यादा रहता है इस कारण करके मैं थोड़ा जहा इस चीज़ थोड़ा दूर रखता सी भी चल बड़े हो बच्चे अपने आप टैलेंट होंगे इस बच्चे ने मेरा दुनिया के ना चमका दिया मैं इन्हें सारी जिंदगी दे नहीं दे सकता जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप इस बात पे काफी इमोशनल होंगे आज उनका बच्चा जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है उनका नाम रोशन कर रहा है शेखर मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या कहेंगे आप नमस्कार सर पहली बात तो कमल हमारे हीरो होंडा सारेगामा पा के आन बान शान है हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम बाहर जाते हैं और लोग सिर्फ कमल का नाम लेते हैं और हमारा जो गाना आ रहा है तीसमार खान फिल्म में सब लोग वेट कर रहे हैं उसके लिए और सारेगामा पा की हिस्ट्री में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कंटेस्टेंट खुद का कॉम्पोजिशन कॉन्टेस्ट में गा रहा है दैट्स द बिगेस्ट थिंग थैंक यू राइट एब्सोल्युटली सर आदाब सर कैसे हैं आप मैं इसकी सिंगिंग के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल राहों में जो आसान सफ़र लगता है ये मेरी माँ और बाप की दुआओं का असर लगता है क्या बात है वाजिद भाई सुपर्ब तो सब लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट इन लाइफ जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड क्योंकि जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती वो कभी हारते नहीं गॉड ब्लेस यू क्या बात कही वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार और अब बारी है उस सिंगिंग स्टार की जो उन खुशकिस्मत बच्चों में से है जिनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा गाए तो अली कमाल है यार देखा अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये कमाल क्या था ये देखिए मैं अली दी वालदा है अली दा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है अली पढ़ाई च लैक सी अली दियां पोजिशन बहुत अच्छियां आंदियां रहियां ने अली डरपोक सी और अंधेरे तो डरदा सी अली शेर बचपन ही से
घर में और घर से बाहर गुनगुनाता रहता था और 13 साल की उम्र से इसने बकायदा गाना शुरू किया, स्कूलों और कॉलेजों में गाता रहा और अभी तक गा रहा है। मेरी यह दुआ है कि वो हमेशा गाता रहे। और आखिर में मैं मशकूर हूँ जी टीवी वालों का और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने मेरे बेटे के लिए इतना बड़ा मंच मुहैया किया। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। क्या बात है, हमारे पांचों मेंटोर्स, स्टैंडिंग ओवेशन, ऑडियंस, हमारे कंटेस्टेंट सब खड़े होकर यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। सर असल में मुझसे गाया नहीं जा रहा था,
कि बस आपकी मोहब्बत है जो मैंने गा लिया। और इसी मोहब्बत में मेंटर्स ने एक मैसेज तुम्हारे लिए भेजा है दैट यू डिजर्व अ किटकैट ब्रेक। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है बस ये उसके माँ बाप की दुआएं हैं और ये पक्के गायकों की तरह गाता है कि बिल्कुल उसमें वो मुझे बहुत दिल को बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलती है। जिंदा रहे पुत्र। बहुत मेहरबानी सर, बहुत। वाह वाह वाह। लेकिन यहाँ पे एक और शख्स हैं और वो भी कमेंट्स देना चाहते हैं, चलिए उनके भी कमेंट्स जरा सुन लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अलीशेर बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हैं। अंकल आपको गाना कैसा लगा अलीशेर का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बेटा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बेहतर सिंगर और बेहतर कंपोजर बनाए। वाह, थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू बाबा जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। क्या बात है यार, कमाल, मजा आ गया आज। और दलेर पाजी जी, मैं अब एक ये जो गाना गाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे माताजी इस दुनिया में अब नहीं है, मम्मी मेरी, पर उनको ये बहुत पसंद था, तो मैं चाहूंगा कि मैं सबके लिए ये गाना चाहता हूँ। आइए पाजी, प्लीज जोरदार तालियां दलेर पाजी के लिए सर। आइए मेंटर्स। कितनी कुतू